चन्नी साहब के उत्ते तो वैसे ही तुहानू पता उन्हां को 25 करोड़ की करप्शन मनी सैंड मनी रिकवर हुई है, सोने दियाँ घड़ियाँ बड़ा 10 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होया। सो तुसीं सब जानते हैं भी ईडी भी कोई चीज़ है कि चन्नी साहब बेचारे की करन हुण, जब आपां काम इदां दे कीते आ तो फिर हुण डर तो लगता ही है। कांग्रेस के लीडर का उन्होंने बारे कोई प्रडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने मिनिस्टर तो सबका जोड़े वो चले गए बीजेपी, कुछ डरते डुरते आ गए आम पार्टी। सो कांग्रेस तो शुरू तो लुटेरिया का ग्रोह है। ईडी इन्होंने किसके पास नहीं भेजी? भगवंत मान पंजाब में यही करते हैं, ये दिल्ली में यही करते हैं, और इनका क्या काम है? और तो कोई काम है नहीं। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप वाले भी और बीजेपी वाले भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है। ये कांग्रेस से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं। जलंधर लोक सभा जिमनी चोण नूं लै के सियासी हलचल तेज हो रही है। भावें लोकां च चर्चा है कि चरणजीत सिंह चन्नी भाजपा दे विच शामिल होणगे। इस मामले ते बोलदे श्रोमणी अकाली दल दे आगू पवन टिनू कह रहे ने कि केंद्र सरकार ईडी दा ड्रा दिखा के चरणजीत सिंह चन्नी नूं भाजपा दे विच शामिल करवाउण दी कोशिशां कर रही है। देखो कांग्रेस दे लीडरां दा उहनां दे बारे कोई प्रडिक्शन नहीं कीती जा सकदी, क्योंकि बहुत सारे उहनां दे मिनिस्टर तां सबका जिहड़े ओह चले गए बीजेपी, कुछ डरते डुरते आ गए आम पार्टी। सो कांग्रेस तो शुरू तो लुटेरिया का ग्रोह है, एक तो पैसे कमा कमू के परे हो गए, हुण इन्हां नूं गनमैन चाहिए है। तो चन्नी साहब के उत्ते तो वैसे ही तुहानू पता उन्हां को 25 करोड़ की करप्शन मनी सैंड मनी रिकवर हुई है, सोने दियाँ घड़ियाँ बड़ा 10 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होया। सो तुसीं सब जानते हैं भी ईडी भी कोई चीज़ है, कोई विजिलेंस भी कोई चीज़ है, इस करके चन्नी साहब बेचारे की करन हुण, जब आप काम इदा के किए तो फिर हम डर तो लगता ही है। दूजे पास चरणजीत सिंह चन्नी के इस मामले से बोलद प्रगट सिंह ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, उन्होंने खुद चरणजीत सिंह चन्नी गलबात की है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस छड़ के किते नहीं जा रहे। जिस तरह केंद्र सरकार सियासतदाना के उत्ते दबाव पाने लिए ईडी की वरतों कर रही है, उसे राह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। यार ये बिल्कुल फेक रिपोर्ट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुद उनसे बात हुई है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, बेसिकली फेक न्यूज़ है। यार ईडी इन्होंने किसके पास नहीं भेजी? भगवंत मान पंजाब में यही करते हैं, ये दिल्ली में यही करते हैं, और इनका क्या काम है? और तो कोई काम है नहीं, या सिर्फ ईडी करना और या फिर जो गोदी मीडिया और केजरी मीडिया उसको मैनेज करना, बाकी और इनका क्या काम है? देखो बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप वाले भी और बीजेपी वाले भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है। ये कांग्रेस से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लालच हो जाता है कि वो लोग सोचने लग जाते हैं कि कोई जो मेरे जैसा ना जिसने नहीं भी एमपी बनना वो भी ड्रीम लेने लग जाता है। जिक्र हो गया कि पंजाब कांग्रेस के कई वड्डे चेहरे अते पिछली पंजाब सरकार विच कैबिनेट मंत्री रहे कई आगू भाजपा दे विच शामिल हो चुके ने। यह सिलसिला लगातार जारी है। अजिहे च सियासी अटकलां अते चरणजीत सिंह चन्नी वर्गे एक होर वड्डे चेहरे दा भाजपा दे विच होण दीआं खबरां ने पंजाब विच कांग्रेस की बेचैनी वधा दित्ती है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, होणगे हर पहलू ते रोस चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।